अस्सलाम वालेकुम जी, दिस अमीर शौकत अली फ्रॉम पाकिस्तान लाहौर। आप सबके रूबरू हूँ। आज मैं कोरोना वायरस को लेके आप तमाम लोगों से गुजारिश है, मुझे जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, जहाँ जहाँ सुना जा रहा है, कि खुदा के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि जिंदा है पाकिस्तान तो हम सब जिंदा है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, इंसानियत की बात है, पूरी दुनिया की बात है। इस वायरस ने क्या कुछ किया है पूरी दुनिया में, आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं। एहतियाती तदाबीर को अपनाइए, काइंडली हाथ धोइए हर आधे घंटे बाद, हर 20 मिनट के बाद, और तकरीबन 20 सेकंड के लिए प्रॉपरली इन हाथों को आप सोप के साथ साफ कीजिए। अगर सैनिटाइजर नहीं भी है तो कम से कम साबुन के साथ आप हर 20 मिनट के बाद अपने हाथ धोइए। अगर आपको खांसी है तो एक दूसरे से गैप रखिए, 1 मीटर का तकरीबन 3 फुट का फासला एक दूसरे से रखिए। और अगर खुदा ना खासा आपको फ्लू है, जुकाम है, नज़ला है, खांसी है, तो प्लीज़ एज सून एज पॉसिबल गेट टू द डॉक्टर और अपना प्रॉपर इलाज करवाइए। अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए, क्योंकि ये कोरोना वायरस अल्लाह की दी हुई आजमाइश है जिसमें इंशाल्लाह हम सबको पास होना है। तो तमाम लोगों से ये हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है कि खुदा के लिए बिना वजह बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ काम के लिए बाहर निकलिए अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो घर पे रहिए, अपने बुजुर्गों को टाइम दीजिए, उनसे फासला रखिए 3 फुट का, 1 मीटर का, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपना भी और अपनों का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।